हाय एवरीवन आज की इस वीडियो में हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे और कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में वो भी डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट का नाम है योर लॉफ योर राइट्स देखिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में सेमेस्टर थ्री के अंदर स्किल इन्हांसमेंट में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है प्लस बी प्रोग्राम में सेमेस्टर फाइव में अगर आपने स्किल इन्हांसमेंट में ये सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आप दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज सब्जेक्ट डिपार्टमेंट सेम है एग्जामिनेशन प्रिपेयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने का तरीका सेम होता है तो अगेन आई रिपीट बी ए प्रोग्राम सेमेस्टर फाइव प्लस बी ऑनर्स पोलिटिकल साइंस सेमेस्टर थ्री स्किल इन्हांसमेंट सब्जेक्ट में है जो पेपर है इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपके छः यूनिट्स हैं नाम से ही पता लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है इंडिया के अंदर जो लॉज हैं जो राइट्स हैं जो कानून हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा सबसे पहले यूनिट है आपकी जो क्रिमिनल का लॉ है रूल ऑफ़ क्रिमिनल रूल ऑफ़ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया वो किस उसका रूल क्या है लॉ का रूल क्या है वो आप पढ़ोगे यूनिट वन में यूनिट टू भी संभाव उसी चीज़ से रिलेटेड है लॉ रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो क्रिमिनल को जस्टिस दिया जाता है मतलब जस्टिस इन देंस क्रिमिनल जस्टिस के लिए जो बातचीत होती है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है उसके रिगार्डिंग यूनिट टू है जिसमें आप पढ़ोगे कि ये कंप्लेन और एफआईआर कैसे फिल करते हैं और डिटेंशन यानी कि पुलिस कस्टडी में किसी को ले जाना अरेस्ट कर लेना बेल दे देना ज़माना दे देना इन सब से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ोगे फिर आती है यूनिट थ्री जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है यूनिट थ्री सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है इसमें भी आप कुछ रूल्स पढ़ोगे इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन जिसमें आप जेंडर बेस्ड यानी कि वुमेंस का जो प्रोटेक्शन होता है डोमेस्टिक वायलेंस से, से सेक्सुअल हरासमेंट से और रेप से उस चीज़ से रिलेटेड जो लॉज़ वगैरह होते हैं जो वुमेंस के राइट्स होते हैं वो हैं और कास्ट इससे रिलेटेड होते हैं लॉज़ वगैरह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो लॉज़ वगैरह होते हैं इनके जो भी इनके अगेंस्ट जो चीज़ें होती हैं उसके उसके लिए जो लॉज़ बनाए जाते हैं फिर क्लास से रिलेटेड आप पढ़ोगे जिसके अंदर मिनिमम वेजस वेजिस इससे रिलेटेड भी एक लॉज वगैरह होता है वो आप पढ़ोगे फिर आपका डिसेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ ये पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी जो पार्टिसिपेशन होता है अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो इक्वल रो अपॉर्चुनिटी इक्वल दी जाए हर किसी को डिसेबिलिटी से रिलेटेड आप इस चीज़ में पढ़ोगे फिर यूनिट फॉर है आपका एम्पावरमेंट जिसमें आपको एक हक होता है इन्फॉर्मेशन लेने का राइट टू इंफॉमेशन कंज्यूमर का जो राइट right होता है वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे फिर आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइवलीहुड जिसमें ट्रेडिशनल राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड द इशू ऑफ वुमेंस प्रॉपर्टी राइट्स जो फॉरेस्ट जेलर्स होते हैं उनके राइट्स क्या हुआ करते थे और वुमेंस की प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या लॉस है? होते हैं वो आप पढ़ोगे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी क्या होती है वो आप पढ़ोगे एंड लास्ट यूनिट है एक्सेस टू आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो आईडी डॉक्यूमेंट होते हैं उसका एक्सेस ह्यूमन को कैसे दिया जाता है और सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होती है वो सब चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे फेमिलाइज़ योर सेव विद इन द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर ऑप्टेनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ आई ये इंडिया आइडेंटिटी कार्ड बेसिकली वोटर आई कार्ड इसका प्रोसीजर क्या होता है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पढ़ोगे राशन कार्ड इनके रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह सब चीज़ें आप पढ़ोगे बेसिकली इस चैप्टर में ठीक है तो ये आपकी कुछ यूनिट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी टोटल आपकी छः यूनिट्स हैं अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न तो देखिए एज आई सेट अर्लियर इन द वीडियो ये जो सब्जेक्ट है बी ऑनर्स पोलिटिकल साइंस में सेमेस्टर थ्री और बी प्रोग्राम में सेमेस्टर फाइव में पढ़ाया जाता है स्किल इन्हांसमेंट में तो दोनों ही बच्चों के लिए ये जो वीडियो है यूजफुल है अब आप पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करो या हिंदी में करो 75 मार्क्स का आपका पेपर आएगा तो पहला क्वेश्चन जो आपका है टोटल आपके आठ क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको कोई चार करने हैं हो सकता है एसवल को पाँच करने हो बट नॉर्मली आठ में से चार क्वेश्चन करने होते हैं जो तो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इट्स रिलेशन विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया विधि के शासन की अवधारणा तथा आप्रिधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए जो रूल ऑफ लॉ होता है उसको कॉन्सेप्ट को समझाओ और इसका जो रिलेशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया से वो आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर वन है ये राइट यूनिट वन में से आया ऑबियसली इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है जो कि यूनिट टू में से है डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटेड टू अरेस्ट एंड बेल इन इंडिया भारत में गिरफ़्तारी और ज़मानत किसी क्रिमिनल की गिरफ़्तारी होती है आजकल तो क्रिमिनल के अलावा और लोगों की भी गिरफ़्तारी हो जाती है खैर तो गिरफ़्तारी और ज़मानत से जुड़े प्रावधानों की विवेचना कीजिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जो प्रोविजंस होती हैं जो प्रोविजंस हैं किसी को गिरफ्तार और किसी को ज़मानत देने की वो डिस्कस करनी है इंडिया में ठीक है यूनिट टू में से क्वेश्चन आया ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्कस द लॉज रिलेटेड टू रेप एंड सेक्सुअल हेरासमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया भारत के संदर्भ में बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों की विवेचना कीजिए ये वुमेन से रिलेटेड है यूनिट थ्री में जो वुमेन्स वाला पार्ट है उस चीज़ में से क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थ्री इसके बाद है एग्जामिन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स एडॉप्टेड टू तो प्रोटेक्ट द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया भारत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनाए गए संवैधानिक सम्व, एवं कानूनी प्रावधानों का परीक्षण कीजिए जो एस सी होते हैं उनके जो राइट्स हैं उनके राइट्स को बचाने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं और जो लीगल मेजर्स हैं वो आपको बताने हैं फोर्थ क्वेश्चन में जो कि यूनिट थ्री से रिलेटेड है यूनिट थ्री में जैसे कि मैंने कहा था एक वुमेंस वाला पार्ट है एक कास्ट वाला पार्ट है तो ये कास्ट वाले क्वेश्चन में से आ गया है आपका यूनिट थ्री में से दो क्वेश्चन बन गए अब तक क्वेश्चन नंबर फाइव है डिस्कस द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास विद एम्फेसाइज ऑन द मिनिमम वेजिस एक्ट तो आपको इसमें लॉज बताने हैं जिसमें आपको वर्किंग क्लास वर्किंग क्लास के जो राइट्स होते हैं उसके बारे में बताना उसको प्रोटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है और इसमें आपको मेन फोकस रखना है मिनिमम वेजिस एक्ट में अगेन यूनिट थ्री में से क्वेश्चन आया है जो क्लास के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदी में पढ़ लेते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पर बल बल देते हुए श्रमिक वर्ग के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानूनों की चर्चा कीजिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है एस द फंक्शनिंग ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 टू थाउजेंड फाइव इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया भारत में लोकतंत्र को सशक्त करने में सूचना के अधिकार अधिनियम की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था उसके फंक्शंस को आपको बताना है कि उसके क्या ऐसे फंक्शन उसके फंक्शन ऐसे क्या हैं कि वो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत करता है अगेन ये आपका क्वेश्चन ये यूनिट फोर में से आया ये राइट टू इन्फॉमेसन वाली जो यूनिट थी उसमें से आया एक्सेस टू ठीक है सेवन क्वेश्चन है राइट एंड एस ऑन द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डेलर ओवर फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू फॉरेस्ट राइट एक्ट जंगल अधिकार अधिनियम के विशेष संदर्भ में जंगल पर वाम वशियों के अधिकारों पर एक निबंध लिखिए ये यूनिट फाइव में से आपका क्वेश्चन आया है जो फॉरेस्ट ड्यूलर वाला था इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें चार ऑप्शन है कहीं तीन पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं प्रोसीजर फॉर ऑपटेनिंग वोटर आईडी कार्ड वोटर आईडी कार्ड किस तरह से ऑपरेन किया जा सकता है लास्ट वाली यूनिट में से ऑब्वियसली रूरल जॉब गारंटी स्कीम इन इंडिया जो इंडिया के अंदर रूरल जॉब गारंटी स्कीम है वो आपको बतानी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपको डिफ़ाइन करना है और राइट ऑफ द पर्सन विद डिसबलिटीज़ जो पर्सन विद डिसबलिटी होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं वो आपको बताने हैं तो इस तरह से ये हमने पेपर डिस्कस किया अब पेपर में देख लीजिए आप लोग यहाँ से यहाँ से एक एक क्वेश्चन आया यहाँ से चार क्वेश्चन आए किस तरह से आए मैं आपको बताता हूँ तीन क्वेश्चन तो देखो वुमेंस रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट वाला आ गया शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का आ गया इसमें से मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एम्फोसाइज दिया जाता है क्लास लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आ गया और ये डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट नोट के अंदर आ गया तो भाई यूनिट थ्री सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है सिंपल सी बात है इसमें से सर सब कुछ करके जाइएगा आप लोग इसमें से अगर आप करके जाते हो तो चालीस नंबर का पेपर आपका कहीं नहीं गया हो सेवेंटी फाइव में से ये आप ज़रूर से करके जाइएगा ये यूनिट यूनिट वन और यूनिट टू तो करनी ही है यूनिट वन में तो सिंपल सी बात है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करना है और इसमें क्या है इसमें तीन मेन चीज़ें कि एफ कैसे फ़ाइल करते हैं कम्प्लेंट कैसे फ़ाइल करते हैं और अरेस्ट और बेल के क्या प्रोविज़न है डिटेंशन के दैट्स इट यूनिट थ्री में सब कुछ करना ही है आपको एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है इसके बाद हम देखें यूनिट फोर में आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और राइट ऑफ द कंज्यूमर ये आपका राइट ऑफ द कंज्यूमर शॉर्ट नोट में उन्होंने भेज दिया तो इसमें से भी लगभग लग लग दो क्वेश्चन एक फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट में भेज दिया उन लोगों ने यूनिट फाइव में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका आया और एक अगेन एक शॉर्ट नोट में शॉर्ट नोट का आ गया आपका ये आता ना रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शॉर्ट नोट में आया था और ये राइट ऑफ फॉरेस्ट डूलर आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया और यूनिट सिक्स है जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से एक ही क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा है कि वोटर आई कार्ड ओपन करने का प्रोसीजर क्या है वो भी साढ़े मार्क्स का तो सबसे लीस्ट जो यूनिट है सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट वो इसी यूनिट को मैं बोलूँगा यूनिट सिक्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट कौन सी है आपकी यूनिट थ्री है तो वन टू थ्री ये शुरू की तीन यूनिट करोगे आप लोग और ये फाइव यूनिट करोगे ये सारी इम्पोर्टेंट यूनिट हैं ठीक है इतना आप कर लोगे पूरा पेपर आराम से करके आओगे आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है छः क्वेश्चन आराम से करके आओगे करने एक्चुअल में चार ही हैं या मैक्सिमम पाँच करने हो सकते हैं ठीक है तो ये इस तरह का पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो मैंने आपको बता दिए वो हैं योर लॉस एंड योर राइट्स के आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करेगा थैंक यू